सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी हो गए सुबह के 10 और आज का सीन कुछ ऐसा है, मुझे हो गया तगड़ा जुकाम और बहुत परेशान हूँ। और अभी वीर को छोड़ने भी जाना है स्कूल, तो उसको छोड़ के आता हूँ, उसके बाद रेस्ट करूँगा। अभी वीडियो भी अपलोड होने वाला है, सो आप सब वो वाला वीडियो भी देख लेना कल का। और सीन कुछ ऐसा है कि अभी पंखुड़ी का अंदर किचन में चालू है काम खाना बनाने का, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या कर रही है। चलिए देखते हैं। हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय किचन। ऐसे आप सब और क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया आप लोगों ने बताइए। मैं तो बना रही हूँ दाल पालक, आप लोगों ने क्या बनाया वो भी बताइए। क्या पालक दाल बना रही क्या? तो पालक दाल आज खाने को मिलने वाली है मुझे, जो कि मेरी फेवरेट है और बड़ा मज़ा आता है मुझे खाने में, क्योंकि बचपन से खाया हूँ। मम्मी भी बनाती थी, बहुत टेस्टी बनाती थी। एक्चुअली क्या है, उसमें कुछ स्पेशल है नहीं, लेकिन जो फली दाने डल जाते हैं उसके अंदर और उसका टेस्ट जो वो चेंज होता है, एकदम कातिल टेस्ट रहता है। तो वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट डिश में पालक वाली दाल है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। सो आप भी देखिएगा, बढ़िया बन रहा है यहाँ पे खाना, मज़ा आएगा। बस मैंने जीरा राई और कड़ी पत्ता प्याज डाल दिया, ये आपके सिंगदाने भी डल गए। डल गए। तो फ्रेंड्स, जब जब पालक वाली दाल बनती है ना, तब तब मुझे बड़ा मज़ा आता है खाने में, बड़ा ही टेस्टी खाना बनता है, तो मैं बड़ा दबा के खाता हूँ। अब ये प्याज हो गई है तो हम टमाटर डाल देंगे एंड उसको पकाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हो गए हैं दोपहर के 1:25 और वीर सिंह की छुट्टी होने का टाइम हो गया है, मतलब एग्जामिनेशन चल रही है उसकी। तो जैसे ही 1:30 जाते हैं उनकी छुट्टी हो जाती है, तो मैं अभी निकल रहा हूँ, मुझे लाने को जाना पड़ेगा उसको अभी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अभी वैन वगैरह का कुछ इश्यूज चल रहे थे। तो एग्ज़ामिनेशन के लिए बस 2-4 के लिए मैं उसको पिक एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। तो अभी मैं निकलता हूँ, आप तब तक के पंखुड़ी के साथ में इंजॉय करो। थोड़े टमाटर डालने के बाद मैंने रेड चिली और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। दाल इतनी टेस्टी लगती है कि आप इससे रोटी भी खा सकते हैं, राइस भी खा सकते हैं, बिल्कुल जैसे सब्जी होती है ना वैसे ही। इसके साथ कोई अलग से सब्जी बनाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम, टमाटर पक जाए। बस टमाटर पक जाएंगे, बस दाल तो पकी पकाई है, उसको डालकर हमें बॉईल कर लेना है। और उसकी कंसिस्टेंसी आपको कितनी रखनी है, थिक पतली जैसे आप खाते हैं वैसे आप रख सकते हैं। ये मैंने दाल डाल दी है जब पूरे टमाटर अच्छे से गल गए हैं। बस आप इसको हमें बॉईल होने देंगे और थिकनेस आप अपने हिसाब से देख लीजिए। थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी। वाओ, दिखने में तो बहुत ही यम्मी लग रही है दाल। ये उबलेगी तो थोड़ी और थिक थिक हो जाती है, इसको थोड़ा सा पानी डालिए। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया भी डाल देंगे। अब सब अपने हिसाब से रखना है तो तुम्हारे हिसाब से क्या रखना है? सब अपने हिसाब से रखना पड़ता ना, तो कुछ लोग अलग मिर्च खाते हैं, अलग नमक खाते हैं। अलग मतलब ज्यादा काम। अच्छा। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी हो गए 6:30 और मेरे साइड में चल रही है तगड़ी वाली पढ़ाई, देख सकते हैं आप। यहाँ पे हो रही है वीर की रिवीजन, कल है वीर का मैथ्स का पेपर, सो एकदम तगड़ी वाली रिवीजन हो रही है यहाँ पे मम्मी के साथ में। और सीन कुछ ऐसा है,
मेरा जुकाम तो एकदम चरम सीमा पर है, फीवर भी था थोड़ा सा, अभी मैं टैबलेट वगैरह लेके थोड़ा रेस्ट कर लिया हूँ अच्छे से, तो अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मैंने थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह किया है तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है अभी, बाकी देखते हैं क्या होता है। सो आप सब क्या कर रहे हैं अभी बता सकते हैं तो कमेंट कीजिए मुझे, और क्या चल रहा है, गर्मी कैसी है आपके यहाँ पे? हमारे पुणे सिटी में तो बहुत तगड़ी वाली गर्मी हो रही है अभी, पता नहीं इस साल क्या हुआ है। हर साल कभी इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली गर्मी हो रही है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको मेरे घर के बाहर का नज़ारा कुछ दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया अभी 6:30 बज गए थे, तो अभी हो गए 7:45, 15 मिनट बाद का ये वीडियो है। सो ये शाम का टाइम है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही मस्त शाम हो रही है यहाँ पे। तो अभी हो गए हैं 11:00 और हम देख रहे थे मैच, मतलब है अभी भी चल रही है, और वो है बिल्कुल आटे काटे पर एकदम, मतलब किस तरफ में उठ बैठेगा, मतलब कौन सी टीम जीतेगी इसका अभी भी इंतजार है, क्योंकि दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं आरसीबी की तरफ से। सो इसी आटे काटे के साथ मैं आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, इस व्लॉग को शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बेल आइकन को तो ज़रूर दबाइए, क्योंकि इसी से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे।